Good morning, dear students. Till now we have studied about the what is chromatography, and then we have learned about the types of chromatography, and then we have seen paper chromatography. In that we have seen the types of paper chromatography. Now we are going to see about the applications of paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम लोग देखेंगे. सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बीइंग यूज्ड इन सिंपल सेपरेशन टूल इन क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस. व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव? इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव यानी कौन से टाइप के आयन्स है वो पहचानना, एंड क्वांटिटेटिव यानी नंबर, यानी कितना अमाउंट ऑफ आयन्स या मटेरियल्स या कोई ऐसा केमिकल कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगा. ठीक है, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज क्वालिटेटिव डिटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी वही मेटालिक आयन्स फॉर इन अ मिक्सचर. इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू डिटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन सच केस. मिक्सचर इज स्पॉटेड ऑन द पेपर. जो हम लोग आप लोगों को अभी ये लॉकडाउन के यू कुडंट डू द पेपर क्रोमेटोग्राफी, बट यू मस्ट हैव सीन इन फर्स्ट ईयर आई सपोज आपको था. तो इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अ पेपर इज टेकन एंड अ मिक्सचर ऑफ आयन्स इज स्पॉटेड इन दैट. ठीक है, सो इन अ सुटेबल सॉन्ड आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट स्पॉट्स आर विजुअलाइज्ड. आप लोगों क्या आपको मिक्सचर दिया देते हैं और वो स्पॉट करते हैं, एंड एक सॉल्वेंट देते हैं वो ग्लास जार में, वो जो पेपर है उसको रखने के लिए बोलते हैं, एंड देन इट रन्स. ओके, देन दैट सॉल्वेंट दैट मोबाइल फेस रन्स द मिक्सचर विच इज स्पॉटेड ऑन द पेपर. ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखे ग्रुप वन का जो लेड है, सिल्वर है, मर्क्यूरी है, हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड सेपरेटेड यूजिंग डिस्टिल वाटर और अल्कोहल. ये अल्कोहल या वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया गया है, एंड जैसे हम लोग रुबियानिक एसिड लेते हैं लोकेटिंग रिएजेंट का, वैसे यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट जो है लेते हैं, एंड देन यू गेट दिस मिक्सचर ऑफ आयन्स. अगर हमने मिक्सचर लिया है लेड है, सिल्वर है और मर्क्यूरी का, तो हमको क्या मिलेगा बच्चों? दैट इज इफ वी स्पॉट इट विथ पोटेशियम, उसको अगर हम लोकेट करेंगे, उस पर स्प्रे करेंगे, तो हमको ये दिखेगा कि लेड का येल्लो कलर अगर आपको आता है तो लेड है, रेड कलर आता है तो हम लोग सिल्वर है समझेंगे, एंड देन ऑरेंज स्पॉट आता है तो मर्क्यूरी करके समझेंगे. ठीक है, ग्रुप टू आयन्स में बिस्मथ है, कैडमियम, कॉपर एंड जो मर्क्यूरी है, इसमें भी अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो अल्कोहल एंड 3 मोलर ऑफ HCl एज ए सॉल्वेंट लिया गया है. ठीक है, एंड उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए लोकेटिंग रिएजेंट लेते हैं. सो इस प्रकार भी आयन्स, इनऑर्गेनिक आयन्स को बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई the inorganic ions, inorganic mixture of different groups like group 1, 2, 3 or 4. 4 में भी जो निकल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज है उसमें भी हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसमें इल्यूएंट यानी जो सॉल्वेंट है वो कौन सा यूज कर रहे हैं, वो एसीटोन एंड वाटर. लोकेटिंग रिएजेंट हम यहाँ पे रुबियानिक एसिड लेते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन दैट इज द सेकेंड पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो हम लोग वो मेटल्स को भी एनालिसिस करते हैं. कैसे? कि जैसे सपोज पेपर पे हमने स्पॉटिंग किया है अलग अलग मिक्सचर का, उस पेपर को हम लोग एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, एंड देन दैट जो कलर छोड़ेगा जो आयन्स है, जैसे अभी हमने लेड देखे, निकल, कोबाल्ट, अगर अलग अलग अगर हमने उस सॉल्वेंट में उस स्पॉट को अगर डिजोल्व करते हैं तो उससे हम लोग कोलोरीमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी देख सकते हैं. इट इज़ यूज फॉर एनालिटिकल टेक, यानी कौन से लैम्डा मैक्स पे, कौन से रेंज पे वो वाला जो आयन है, वो जो इनऑर्गेनिक आयन है, इनऑर्गेनिक या एनी अननोन सैंपल कैन बी डिटेक्टेड.
ओके इन द सी पार्ट दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नॉन मेटल्स अभी कौन से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं ओके द नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड मिक्सचर ऑफ नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग टू डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी बच्चों टू डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी हम लोगों ने देखे हैं टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी में दैट इज पार्टीशन डायमेंशनल असेंडिंग डिसेंडिंग ओके रेडियल क्रोमैटोग्राफी उसमें से जो एक है टू डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी उससे हम लोग अमाइनो एसिड को सेपरेट कर सकते हैं ठीक है इसमें नीन हाइड्रिन नामक जो केमिकल है वो इट इज यूज एज अ डेवलपिंग एजेंट एंड इट गिव्स यू पर्पल कलर विथ ऑल अल्फा अमाइनो एसिड्स अदर कंपाउंड्स लाइक एलिफेटिक अमाइन सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड इम्यूनो एसिड्स गिव्स येलो कलर नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हाउ एज यू नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट यही है क्रोमैटोग्राफी का सो इफ यू सी द रिटार्डेशन फैक्टर that is calculate RF values from nickel and cobalt distance traveled by solvent nickel and are given respectively then that is distance traveled by the solvent front जो है पूरा solvent 8.8 सेंटीमीटर पे है और डिस्टेंस जो आयन से निकेल एंड कॉपर के वो 0.5 एंड 75 इस प्रकार हम रिटार्डेशन फैक्टर निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट बाय द सॉल्वेंट and distance traveled by the ionic mixture or likewise we can see this is the ionic mixture even unknown mixture and distance traveled by the solvent mobile phase and station so in this way we can get the retardation factor similarly the next one calculate the RF value of for cobalt and nickel if the distance traveled by the solvent cobalt are 9.8 and 7.8 centimeter रेस्पेक्टिवली तो इसको भी हम लोग सिमिलरली उसी तरीके से यूज कर सकते वही वाला फार्मूला यूज करना है सिमिलरली यहाँ भी सेम टाइप के दैट इज क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है सो इट इज डिजॉल्व ये वाला जो फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट सोल्यूट और आयनिक मिक्सचर और अननोन मिक्सचर बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट सो इसमें इफ द मोबाइल फेस इन क्रोमैटोग्राफिक एक्सपोनेंट मूव 15 सेंटीमीटर एंड द आरएफ वैल्यू ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट इन द मिक्सचर इज 0.85 हाउ फार द कंपाउंड मूव ऑन द पेपर अब ये मूव कितना हुआ हमको देखना है तो हम लोग क्या करेंगे आरएफ वैल्यू देखे हैं हमको और हमको सॉल्वेंट फ्रंट देखे हैं तो कंपोनेंट कितना ट्रैवल किया है वो हम लोगों को देखना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कंपोनेंट तो 12.75 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमारा फॉलो करता है सो दीज आर सम एक्सपेरिमेंट्स रिगार्डिंग द रिटार्डेशन फैक्टर्स ओके सो नाउ वी विल स्विच टू द दैट इज गोइंग टू सी द दैट इज क्रोमैटोग्राफी व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी कॉलम क्रोमैटोग्राफी सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉलम क्रोमैटोग्राफी सो व्हाट इज कॉलम क्रोमैटोग्राफी लेट अस सी सो कॉलम क्रोमैटोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड जैसे पेपर क्रोमैटोग्राफी है उस प्रकार कॉलम क्रोमैटोग्राफी है अभी पेपर का नाम तो पेपर पे ही हमने उसको रन किया मोबाइल फेस एंड दिस स्टेशनरी फेस ठीक है स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस अभी यहाँ पे हम लोग कॉलम यूज़ करेंगे तो कॉलम यूज़ करना है तो कॉलम इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ठीक है सॉलिड एंड लिक्विड टेक्निक इन विच स्टेशनरी फेस क्या है सॉलिड है नहीं रहे जो सॉलिड है वो रुका रहेगा मोबाइल फेस यानी जो मूव करेगा ठीक है तो ज़रूरी नहीं है हमेशा जैसे कॉलम में है पेपर में है या ऐसी कि मोबाइल फेस लिक्विड ही हो सकता है गैस भी हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है सो इट इज़ नॉट कॉलम में लेकिन मोबाइल फेस लिक्विड है ठीक है नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड कॉलम क्रोमैटोग्राफी
कॉलम क्रोमैटोग्राफी में स्टेशनरी फेस इज सॉलिड एंड मोबाइल फेस इज लिक्विड. नाउ प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमैटोग्राफी, फर्स्ट वन इज एडसॉर्प्शन. ठीक है, एडसॉर्प्शन यानी जो ऊपरी तरह की, सपोज सम थिंग इज देयर ऑन द लेयर, दी थिंग्स आर गेटिंग एड्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस, इज नॉट गेटिंग पेनीट्रेटेड, यानी अंदर की ओर नहीं जाएगा, इट विल बी ऑन द सर्फेस, बेड सर्फेस बेड पे ही वो चीज़ें अटक के रहेगी. ठीक है, जो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स आर क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ यूज फॉर एनालिटिकल टेक्निक्स ओनली. Now let us see the mixture of component dissolved in melting point is introduced into the column. Component moves depending upon their relative affinities. Okay. Column chromatography was developed by the American scientist M.S. Sweat, the Polish botanist, in 1906 using adsorption columns. ठीक है, ये जैसे टाइप के कॉलम्स है और वो किसने डिस्कवर किया, M.S. Sweat. Now column chromatography, adsorption column chromatography, the adsorption packed in glass column and solvent, the mobile phase that moves slowly through the packed column. ठीक है, and a solvent used as a mobile phase is called as eluent. अब अगर आप लोग देखोगे तो एक टाइप का ग्लास जार टाइप का कॉलम है, उसमें सॉल्वेंट लेवल, सॉल्वेंट बल्ब है, सैंड हम लोग ऐसे टू प्रोटेक्ट सिलिका जेल. ठीक है, यहाँ पे सॉलिड एज ए हम लोग स्टेशनरी फेस ले रहे हैं. ठीक है, कॉलम में सिलिका जेल है. ठीक है, एंड अ कॉटन टू प्रिवेंट. ठीक है, और सॉल्वेंट यूज्ड एज ए मोबाइल फेस, जो मोबाइल सॉल्वेंट हम यूज करने वाले हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूवेंट. ठीक है, और जो रुका रहेगा वो इल्यूएट रहेगा. स्टेशनरी फेस क्या है, इल्यूएट. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इल्यूवेंट एंड इल्यूएट. ठीक है, जो एड्सॉर्बेंट पैक्ड है वो ग्लास कॉलम एंड ए सॉल्वेंट, एंड द मोबाइल फेस दैट मूव स्लोली थ्रू द पैक्ड पैक्ड कॉलम, यानी वो जो स्टेशनरी फेस जो सॉलिड है. ठीक है, सैंड हो सकता है, सिलिका जेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एड्सॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया. कौन से इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में वो देखेंगे. पार्टिकल शुड बी स्पेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज. होमोजीनियस शेप होना चाहिए पार्टिकल साइज का. मैकेनिकल स्टेबिलिटी मस्ट बी हाई, उसकी जो स्टेबिलिटी है एड्सॉर्प्शन अच्छी होनी चाहिए. पुअर इम्प्योर भी सैंड हो सकती है, इम्प्योर जो भी बेड है वो शुड बी होमोजीनियस एंड इट शुड बी इम्प्योरिटी फ्री. दे शुडंट रिएक्ट केमिकली. वो केमिकली जो सॉल्वेंट है उसके साथ एकदम ही रिएक्ट नहीं करना चाहिए उसने. ठीक है, या तो क्या होगा, वो सपोज इट इज एक्सपोज टू एयर और समथिंग लाइक, कोई भी अगर हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो एकदम केमिकली ट्रीट हो गया, तो फिर हमको एनालिसिस करने में मुश्किल हो जाएंगे. इट शुड बी यूजफुल फॉर सेपरेटिंग वाइड वेराइटी ऑफ कंपाउंड. इट शुड बी फ्रीली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव. ठीक है, द पार्टिकल साइज शुड बी ऑल्सो यूनिफॉर्म. ठीक है, द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर. द सॉल्वेंट शुड ऑल्सो हैव सफिशियंटली लो बॉइलिंग पॉइंट टू परमिट रेडी रिकवरी ऑफ इल्यूएटेड मटेरियल. सॉल्वेंट शुड ऑल्सो हैव सफिशियंटली लो बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, हाउ एवर पोलैरिटी हैज सीन द मोस्ट फैक्टर इन एड्सॉर्प्शन. पोलैरिटी बहुत जरूरी है. ठीक है, सो डिफरेंट मोबाइल फेसेस यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी. अब पेट्रोलियम ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन ईथर, एसीटोन, बेंजीन, टोलेन, एस्टर, वाटर, एक्सेट्रा. यानी ये पेट्रोलियम ईथर, कार्बन, दीज आर लीस्ट, और वाटर, ईस्टर्स, इसमें हाइड्रोजन, तो ये मोर पोलर सॉल्वेंट्स हैं. इट कैन बी यूज इन ईथर प्योर फॉर्म एज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स. ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेन फंक्शन ऑफ ऑल कॉलम इज टू सपोर्ट द स्टेशनरी फेस. मेन फंक्शन क्या है कि स्टेशनरी फेस को सपोर्ट करना चाहिए. द मटेरियल ऑफ द कॉलम इज मोस्टली गुड क्वालिटी न्यूट्रल ग्लास सिंस इट शुड बी अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट्स. मटेरियल ऑफ द कॉलम इज मोस्टली ऑफ गुड क्वालिटी. एंड ब्यूरेट में भी हम लोग कॉलम यानी ब्यूरेट में भी हम लोग वो डाल सकते हैं एंड यू कैन सील इट फ्रॉम द टिप ऑफ दैट ब्यूरेट. ओके,
कॉलम क्रोमेटोग्राफी द लेंथ ऑफ द कॉलम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कंपाउंड सेपरेटेड टाइप्स ऑफ एडसॉर्बेंट यूज ठीक है क्वांटिटी ऑफ द सैंपल एंड एफिनिटी ऑफ द कंपाउंड टूवर्ड्स द एडसॉर्बेंट यूज यानी कितना सेपरेशन करना है उसका लेंथ फिर छोटा करना है तो छोटी साइज ले सकते हैं ब्यूरेट की या कॉलम की ठीक है बड़ा करना है तो बड़ा कॉलम ले सकते हैं फिर टाइप्स ऑफ एडसॉर्बेंट जो है अगर इफ इट इज वन ओनली सिंगल तो हम लोग एडसॉर्बेंट उस टाइप का यूज कर सकते थे और कर सकते हैं एंड क्वांटिटी ऑफ द सैंपल यानी कितना ले सकते हैं एंड एफिनिटी ऑफ द कंपाउंड्स टुवर्ड्स द एडसॉर्बेंट सो इन दिस वे वी कैन टेक द कंपाउंड्स कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब विद बॉटम पोर्शन ठीक है उसमें सिलिका जेल या एडसॉर्बेंट डालते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉलम दे आर ड्राई पैकिंग एंड वेट पैकिंग दो प्रकार के कॉलम होते हैं सॉरी बिफोर फिलिंग द कॉलम विद स्टेशनरी फेस एंड ग्लास वूल इज केप्ट इट शुड बी यूनिफॉर्मली फिल्ड एडसॉर्बेंट इज पैक्ड इन द कॉलम इन ड्राई फॉर्म ठीक है ड्राई होना चाहिए देखो यहाँ पे दिख ही रहा है दीज आर द पिक्चर्स यहाँ पे जो सिलिका जेल है वो ड्राई है ना उसके ऊपर फिर सॉल्वेंट रन होगा एंड वेट पैकिंग द मटेरियल इज स्लरीड विद सॉल्वेंट एंड जनरली एडेड टू द कॉलम यानी गीला जो है हम लोग उसको गीला करके ही डाल देते हैं सपोज सिलिका है तो सिलिका में हम लोग कोई सॉल्वेंट को मिक्स करके ही उस कॉलम में डाल देते हैं तो वेट पैकिंग उस प्रकार होती है ठीक है इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल नाउ सैंपल विच इज यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मोबाइल फेस द एंटायर सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉलम एट वंस एंड गेट एब्जॉर्ब टू द टॉप पोर्शन ऑफ द कॉलम फ्रॉम दिस जोन इन इंडिविजुअल सैंपल कैन बी सेपरेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम कैरेक्टरिस्टिक एंड सिलेक्शन स्टेशनरी फेसेस दैट इज रिक्वायरमेंट कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है कॉलम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखिए देखो यहाँ पे पूरा दिस इज कॉलम ठीक है The arrow pain I am not getting हाँ तो यहाँ पे देखो कॉलम कैरेक्टर सिलेक्शन दैट दिस इज द कॉलम ओके दिस इज द कॉलम ठीक है ये जो है अंदर जो है वो स्टेशनरी फेस है एंड इट इज सेपरेटेड विद द मोबाइल फेसेस ठीक है यहाँ पे देखो टू मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट है जो फर्स्ट है जो लोअर लेवल पे यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है एंड विच इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड इट इज़ ऑन द अपर बेड हाँ फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलम एंड डिटेक्शन ऑफ द कॉलम यानी ये दोनों में जब मिक्सचर डाला गया तो सबसे पहले जो एब्जॉर्ब हो गया वो नीचे आ गया एंड जो एब्जॉर्ब्ड ऊपर के लेयर पे है वो अभी भी रुका है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको निकाल लेते हैं एंड देन उसको डिटेक्शन ऑफ द कंपाउंड टेक्स प्लेस हियर ऑल्सो सेम केस ठीक है सो स्टेशनरी फेसेस इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी आर ऑल्सो नोन एज एडसॉर्बेंट देट शुड बी सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स और मोबाइल फेसेस केमिकली इनर्ट शुड हैव रिप्रोड्यूसेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम बैच टू बैच और कलरलेस टू फैसिलिट यानी वो दैट इज दे शुड बी इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स और मोबाइल फेसेस जो भी मिक्सचर है वो सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होना चाहिए सो इन दिस वे दीज आर द कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स डिटेक्शन ऑफ द कंपाउंड्स प्रोसीजर्स आर कलर्ड द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन कैन सिंपली बी मॉनिटर्ड यूजुअली विजुअली इफ द कंपोनेंट टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम कॉलम क्रोमेटोग्राफी आर कलरलेस इन केस ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन द इल्यूएंट आर collected sequentially in labeled tubes and then composition of each fraction is allowed.
छोटे छोटे पोर्शन मिलेंगे, अगर हमारा कलरलेस कंपाउंड रहा तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो उसको छोटे छोटे कंपाउंड में लेके फिर हम उसको फ्रैक्शन में एनालाइज कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग कॉलम एफिशिएंसी, डायमेंशन साइज है, पार्टिकल साइज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एडसॉर्ब, टेम्परेचर, पैकिंग, क्वालिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स, दीज आर द फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉलम एफिशियंसी टू रन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। डायमेंशन कितना है, ठीक है, बहुत ही ब्लॉग वाला ब्यूरेट लिया है क्या, उसको यूनिफॉर्म साइज का होना चाहिए, पार्टिकल साइज कैसी है उसकी, एक्टिविटी ऑफ एड्सॉर्बेंट कैसा लिया गया है, टेम्परेचर कंडीशन, हाई टेम्परेचर सॉल्वेंट या ऐसे मिक्सचर लिया गया है क्या, यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑल्सो, क्वालिटी ऑफ द सॉल्वेंट भी हमको देखना है। अप्लीकेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, अप्लीकेशन कौन से है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी देखा है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी है प्यूरिफाई करने के लिए, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी अलग अलग आइसोलेशन अगर हमको सेपरेशन करना है जैसे कि सिस एंड ट्रांस का वगैरह, उस प्रकार का भी आइसोलेशन कर सकते हैं, हमारा जैसे फ्यूमेरिक एसिड है, ओके, सिस एंड ट्रांस, ओके, लाइकवाइज एस्टिमेशन ऑफ ड्रग्स में भी यूज कर सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, एंड इट इज़ यूज फॉर ग्लाइकोसाइड्स एंड डाइस्टीरियोमर्स ऑल्सो, देखो सेपरेशन ऑफ डाइस्टीरियोमर्स ऑल्सो इट इज यूजफुल। इन दिस वे कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज यूजफुल इन मेनी वेज। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अवर कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।